सरकार के माध्यम से विविध विकास के नए नए काम प्रारंभ हुए थे, उन कामों के बलबूते पर मध्यप्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं, हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का जिनके अथक परिश्रम से ये अभी दिन आवाज आया था, ये पांचवी बार भाजपा की सरकार बन रही है, निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहा है। माननीय विधायक दल की बैठक की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सुरान सभी का आभार व्यक्त किया गया और कहा गया कि अब गवर्नर हाउस की तरफ हम जा रहे हैं, वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और शपथ के लिए दिन मांगेंगे, वक्त मांगेंगे। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको राजस्थान में भी नजर आएगी। अब सवाल यह है कि सबसे पहला सवाल, मुख्यमंत्री कौन होगा? दूसरा, क्या वाकई में यहां भी दो डिप्टी सीएम होंगे? तीसरा सवाल यह कि क्या जो मुख्यमंत्री के दौड़ में इस वक्त हैं उनमें से कोई स्पीकर होगा? चौथा सवाल, कैबिनेट में कौन कौन होंगे? पांचवा सवाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट की शपथ कहां होगी? क्या एक बार फिर से जनपद को सजाया जाएगा और वहां एक भव्य अंदाज में आपको शपथ ग्रहण समारोह दिखाई देगा? इन तमाम सवालों के जवाब राजस्थान की जनता